वीडियो को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट के तहत तैयार किया गया है। हमारा देश भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, जिसकी वैश्विक उत्पादन में हिस्सेदारी 21% है। भारत वैश्विक चावल व्यापार में शीर्ष निर्यातक रहा है, जो पिछले 4 वर्षों में निर्यात का 25% हिस्सा है। चावल हमारे देश में मौजूद अधिकांश जनसंख्या का महत्वपूर्ण भोजन है। भारत में मौजूद लगभग 70% जनसंख्या पैकेट के चावल का उपयोग रोजाना करती है। भारत में बहुत किस्म के चावलों का उत्पादन किया जाता है। उन्हीं में से एक है कतरनी चावल, जो अपनी सुगंध और गुणवत्ता की वजह से देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रिय बना हुआ है। भागलपुर और बांका जिलों में मूल रूप से उगाए जाने वाले कतरनी चावल की मांग बहुत अधिक है। कतरनी धान की खेती जैविक तरीके से की जा रही है, जिससे इनकी गुणवत्ता और सुगंध बरकरार रहती है। कतरनी चावल में मौजूद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। साथ ही इनका निर्यात सर्वाधिक मात्रा में सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इराक और कुवैत देशों में किया जाता है। इस चावल से निर्मित चूड़ा की मांग भी बहुत अधिक है। आज की इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री में हम आपके लिए लेकर आए हैं कतरनी चावल प्रोसेसिंग के व्यवसाय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। रॉ मटेरियल। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कच्चे माल के रूप में कतरनी पैडी सीड और पैकेजिंग मटेरियल की आवश्यकता होगी। मशीन्स एंड इक्विपमेंट। इस व्यवसाय के लिए मशीनों में आपको पैडी प्री क्लीनिंग मशीन, कॉम्पैक्ट मिलिंग मशीन, पैकेजिंग मशीन के साथ साथ टूल्स एंड इक्विपमेंट में अनलोडिंग बिन्स, सिलोज, बकेट एलिवेटर तथा अन्य मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी। प्रोसेस। कतरनी चावल के उच्च पोषण सामग्री को बनाए रखने के लिए न्यूनतम प्रसंस्करण का इस्तेमाल किया जाता है। धान को मंडी या स्थानीय विक्रेता से खरीदा जाता है और कच्चे माल के गोदाम में भंडारित किया जाता है। अब आवश्यकता अनुसार कतरनी धान की आपूर्ति मिलिंग प्लांट में की जाती है। सबसे पहले अवांछित पदार्थों को हटाने के लिए धान की सफाई की जाती है। इस प्रक्रिया में स्टोन और दूसरे फॉरेन मटेरियल्स को प्री क्लीनिंग मशीन द्वारा अलग कर लिया जाता है। मिलिंग ऑपरेशन एक ही कॉम्पैक्ट राइस मिलिंग मशीन में किया जाता है, जिससे चावल और भूसी अलग हो जाते हैं, जिसके बाद इनकी मैनुअल बिनोइंग की जाती है। फिर साफ किए गए चावल को उचित आकार के पैकेट में भर दिया जाता है और मात्रा सुनिश्चित करने के लिए तौला जाता है। इसके बाद पैकेट को सील किया जाता है और मार्केट में भेज दिया जाता है। प्रोसेस रीकैप। धान को मंडी या स्थानीय विक्रेता से खरीदा जाता है और आवश्यकता अनुसार कतरनी धान की आपूर्ति मिलिंग प्लांट में की जाती है। प्री क्लीनिंग मशीन द्वारा धान की सफाई की जाती है। उसके बाद मिलिंग ऑपरेशन एक ही कॉम्पैक्ट राइस मिलिंग मशीन में किया जाता है, जिससे चावल और भूसी अलग हो जाते हैं, जिसके बाद इनकी मैनुअल विनोइंग की जाती है। फिर इन्हें पैकेट में सील किया जाता है और मार्केट में भेज दिया जाता है। मैन पावर। इस व्यवसाय को आप 6 से 8 वर्कर के साथ शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको लगभग 10 से 15 लाख रुपए के मशीनरी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी और इसके माध्यम से आप 12 से 15% प्रॉफिट कमा सकते हैं। FSSAI रेगुलेशंस। आपको बता दें, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड और फूड एडिटिव्स के अनुसार कतरनी राइस प्रसंस्करण की प्रक्रिया में FSSAI द्वारा निर्धारित मानक 2.4.6.24 राइस का प्रयोग आवश्यक है। इसके अलावा उत्पाद की पैकेजिंग के लिए FSSAI के जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ पैकेजिंग रेगुलेशन नंबर 2.1.1 का उपयोग करना अनिवार्य है। वहीं लेबलिंग के लिए जनरल रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन नंबर 2.2.1 का उपयोग आवश्यक है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना PMFME एक अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें व्यय को केंद्र और राज्य सरकार के मध्य इस प्रकार साझा किया गया है। योजना 5 वर्षों 2020-21 से 2024-25 तक के लिए लागू होगी। इसके माध्यम से 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रत्यक्ष सहायता और वित्तीय, तकनीकी, विपणन और ब्रांडिंग सहायता प्राप्त होगी। साथ ही व्यक्तित्व इकाइयों को 35% तक का क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट के रूप में अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान है।
लाभार्थी को योगदान परियोजना लागत का न्यूनतम 10% निवेश करना होगा। समूह इकाइयों जैसे किसान उत्पादक संगठन FPO, स्वयं सहायता समूह SHG, किसान उत्पादक सहकारिता को भी पूंजी निवेश, प्रशिक्षण सहायता, विपणन के लिए क्रेडिट ग्रांट 35% तक का अनुदान प्राप्त है। स्वयं सहायता समूह SHG को SHG फेडरेशन स्तर पर प्रति सदस्य 40,000 रूपए की प्रारंभिक पूंजी देय है। योजना के अंतर्गत सामान्य अवसंरचना यथा सामान्य प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशाला, उष्मायन केंद्र, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज आदि के लिए 35% क्रेडिट लिंक ग्रांट का प्रावधान है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा लागू PMFME स्कीम के साथ साथ अन्य योजनाओं जैसे ऑपरेशन ग्रीन्स आदि की विस्तृत जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट www.mofbi.nic.in पर उपलब्ध है। PMFME एवं ऑपरेशन ग्रीन्स योजनाओं की जानकारी हेतु आप 0130-2281-089 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण पर उद्योगी जानकारी एवं वीडियो निफ्टम वेबसाइट के PMFME लिंक पर उपलब्ध है।